क्या आपको पता है कि आप भी ओला पार्टी ऐप पर फोटोज या वीडियोज शेयर कर ढेर सारे लाइक्स और फॉलोअर्स पा सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अगर आप ओला पार्टी ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने में दिखेगा, जहाँ पर आपको रिकमेंडेशन में ढेर सारे चैनल्स दिखेंगे। उसके अलावा नीचे में आप पांच ऑप्शन पाएंगे, ठीक है। पहला है जहां पर आपको ढेर सारे चैनल्स मिलेंगे, जहां पर आप जाकर बातें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर या जो भी आप बोलते हो इसे, ठीक है। अगर आप हैगो यूज करते थे तो ये पहले हैगो स्क्वायर था, अगर आप आज ओला पार्टी यूज कर रहे हैं तो ओला पार्टी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ढेर सारे फोटोज डालते हैं, वीडियोज डालते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने जो अकाउंट बनाया है ये आपका ही फोटो होना चाहिए, किसी दूसरे का भी लोग डाउनलोड कर देते हैं, करके डाल देते हैं, या कुछ स्टेटस या कुछ भी वीडियोज डाल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, ढेर सारे लाइक्स मिलने वाले हैं। आपको कैसे करना है ये काम मैं बताता हूँ। सबसे पहले नीचे में आप देखेंगे कि एक नीचे पेंसिल का एक आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप तुरंत का कोई फोटोज, चाहे वो सेल्फी हो या बैक कैमरा से कोई वीडियोज या फोटोज हैं, उस फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है कि आपने अगर मोबाइल में पहले से रखा है तो वो फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। मान लो कि मैं कोई भी एक फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड करने के लिए मैंने सिलेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो कोई भी डाल सकता है। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे मैक्सिमम फॉलोअर्स मिलेंगे या मैक्सिमम लाइक्स मिलेंगे, आपको एक चीज करना है, यहाँ पर आप जो हैशटैग या एट द रेट करके किसी को टैग करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास जितने भी फॉलोअर्स हैं या आपको जिन लोगों ने फॉलो किया है या आप जिसके फ्रेंड हैं, सब लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा चीज है वो करना है ऑल फैंस, ठीक है, फैंस, ठीक है, ऑल फैंस मैंने कर दिया। इसके आगे आपको एट द रेट लगाना है, ठीक है, एट द रेट। अगर आप एट द रेट ऑल फैंस करते हैं तो ये जो आपका आपने जो पोस्ट करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपके सारे फॉलोअर्स को जाने वाला है, जो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, ये होने वाला है। अगर आप बहुत लोग हैं जो एट द रेट से स्टार्ट करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप, मैं मान लूँ कि मैं एट द रेट से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ एट द रेट लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ अभी, ठीक है, मैं अब एट द रेट लिखता हूँ। एट द रेट अगर मैं सिर्फ पहले लिखूं तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन आते हैं कि आप किसे करना चाहते हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी को, एक सिर्फ सिंगल आदमी को, लेकिन आपको सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचवाना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑल, उसके बाद फैंस, उसके बाद आप आगे में एट द रेट लगाते हैं। होगा क्या, इससे ढेर सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, अगर आपकी नोटिफिकेशन देखेंगे आपके फोटोज या वीडियोज उन्हें पसंद आएंगे तो जरूर आपको लाइक देंगे, अगर और भी उन्हें पसंद आता है तो आपको वो फॉलो कर लेंगे, तो इनसे फॉलो और लाइक्स बढ़ेंगे। दूसरी चीज, ये मेरा हो गया मेरा टैग करने वाली बात। अब बात कर रहा हूं मैं हैशटैग को लेकर, हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैशटैग पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि वैसे हैशटैग का सिलेक्शन करें जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे फिंगर चैलेंज है, स्क्वायर शेयर है, हंसी की दुनिया है, वॉइस इंडिया है, हार्ट बीट मोमेंट्स है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे में वेलकम टू स्क्वायर है। यहाँ पर आपको एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट भी ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो अब 14 लाख पोस्ट आया है, जो सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा पोस्ट किसी पर नहीं आया है, तो मैं इससे सिलेक्ट करता हूँ वेलकम टू स्क्वायर। अब ये हैशटैग के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। इसके अलावा आपको लग रहा है कि मैं एक साथ दो तीन फोटो ऐड करूं, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक ऐड किया, यहाँ पर आप प्लस पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर और भी फोटो ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कितना ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको लोकेशन शो करने का भी ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट शो लोकेशन, ठीक है, मैं लोकेशन कभी अलाउ नहीं करता हूँ ओला पार्टी ऐप को, आप भी लोकेशन अलाउ ना करें, ये आपके प्राइवेसी के लिए कुछ खतरा वाला हो सकता है। मैं आपको एक पिछले वीडियो में ही बताया था, ओला पार्टी यूज करें लेकिन एक सावधानी के साथ, सारे परमिशन को ना दे दें कि ओला पार्टी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को ले जाए, आपकी प्राइवेसी के साथ चीटिंग हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो मैं इसमें कोई भी लोकेशन नहीं डालने वाला हूँ। अब विजिबल टू ऑल, क्या आप अपने पोस्ट को सारे लोगों को साथ शेयर करना चाहते हैं?
अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसमें डाल दीजिए आप ऑप्शन में। जिस तरह से आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं वहाँ पर भी ऑप्शन होता है कि आप सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं तो हाँ, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो जिनको नहीं दिखाना चाहते हैं उनको हटा दीजिए। तो ओनली विजिबल टू फ्रेंड्स, ठीक है, मैं जिन्हें दिखाना चाहता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट कर देना है, ऐसे पोस्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका अगर वीडियोज या आपका फोटो अट्रैक्टिव होगा तो आपको ढेर सारे यूजर फॉलोअर मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको ढेर सारे लाइक्स मिलेंगे, ढेर सारे मैसेज भी आएंगे। तो आपके ऊपर आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छे दोस्त मिलेंगे खराब दोस्त मिलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्ल्स हैं तो हो सकता है कि आपके टेक्स्ट मैसेज में कुछ गलत मैसेज आए या आपके पोस्ट पे कुछ गंदा कमेंट आए, तो वैसे कंडीशन में आप उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सिक्योर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें रिपोर्ट करिए चाहे उन्हें ब्लॉक करिए, लेकिन दूसरों की कुछ भी गलती को स्वीकार मत करिए। अगर आप बॉयज़ हैं या कुछ गर्ल्स आपको गलत लिख रही है तो आप भी ये स्टेप ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमू की टेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।